नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शिवानी एस्ट्रो चैनल में। मैं ज्योतिष शिरोमणि हूँ। मैंने बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से और ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है। और आपको आज सूर्य की संक्रांति के बारे में बताने में आपके आया हूँ कि सूर्य की संक्रांति जो हो रही है मिथुन राशि में 15 जून को, उसका क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, हर ग्रह अपनी राशि छोड़ के दूसरी राशि में जाता है, ये हम जानते हैं। गोचर के अंदर सभी ग्रह अपनी राशि छोड़ के दूसरी राशि में जाते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो 30 दिन रहते हैं एक राशि में, कुछ 45 दिन रहते हैं, कुछ 1 साल रहते हैं, कुछ 2.5 साल रहते हैं। तो इस तरीके से ग्रह रहते हैं कुछ। वो देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह कितना टाइम रहता है। राहु केतु है, वो 1.5 साल रहते हैं एक राशि के अंदर। तो सूर्य जो है वो एक राशि में 30 डेज करीब रहता है और तो 30 दिन बाद वो राशि चेंज करता है। तो राशि चेंज करने से कुछ ना कुछ इफेक्ट इंसान के ऊपर, मानव के ऊपर होता ही होता है। अब सूर्य जो संक्रांति हो रही है, सूर्य यानी जो राशि चेंज कर रहे हैं वृषभ राशि से मिथुन राशि में, 15 जून को वो जा रहे हैं। 15 जून को शाम को 6:30 बजे उनका मिथुन राशि में प्रवेश होगा और उसके बाद 17 जुलाई को फिर वो आगे राशि में, कर्क राशि में जाएंगे। तो 15 जून से लेकर 17 जुलाई तक के बीच में वो मिथुन राशि में रहेंगे। अब ये मिथुन राशि में प्रवेश जो उनका हो रहा है, ये किन किन राशियों वालों के लिए अच्छा है और किन किन राशियों वालों के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन किन राशि वालों के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य का गोचर इतना नुकसान नहीं देता, लेकिन जो स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है वो मेष, सिंह, कन्या और मकर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छा होता है। तो आपका जन्मकालीन चंद्रमा किस राशि में है वो आपकी राशि हो गई। तो उस राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है। तो आपको अपनी राशि का मालूम होना चाहिए कि आपकी राशि क्या है और उससे आप तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में देख लीजिए कि क्या सूर्य आ रहा है। मिथुन राशि में आने के बाद सूर्य मिथुन राशि में आ रहा है, आपको अपनी राशि मालूम है, आप चेक कीजिए कि सूर्य मिथुन राशि में आया है तो क्या ये आपकी जन्म राशि से तीसरे भाव में आया है, छठे भाव में आया है, 10वें भाव में आया है या 11वें भाव। अगर इन चारों भावों में से आया है तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर करेंगे। कैसे? मेष आएगा, मेष राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसका तीसरा गोचर वहां पर है। स्थान प्राप्ति होगी, धन का संग्रह होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, खेलकूद में इंटरेस्ट अगर आपका है, चैंपियन बनेंगे आप खेलकूद के, मीडिया, आईटी वगैरह में, कम्युनिकेशन सिस्टम में से आप धन कमाएंगे, वो बहुत बढ़िया आपका रहेगा। दूसरी राशि आती है सिंह। सिंह राशि के लिए ये 11वां गोचर है, तो आपकी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी लाभ आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो सारी फुलफिल होंगी, सोशल नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी। अगर आप किसी कंपनी के साथ, किसी कंपनी में हैं और जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा, आपको उस कंपनी से बहुत प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी राशि या तीसरी राशि आती है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर 10वां है, तो 10वां गोचर बहुत अच्छा है। जो कार्य स्टार्ट करेंगे सफलता मिलेगी, आपके प्रोफेशन में वृद्धि होगी, हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। चौथी राशि है मकर। मकर राशि वालों के लिए गोचर छठा है, छठा गोचर भी सूर्य का बहुत अच्छा होता है। रोग का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा। शत्रुओं का नाश मीन्स अगर कोई शत्रुता आपसे पाल रहे हैं तो वो आपके मित्र बनेंगे या शत्रुता छोड़ देंगे। ऑफिस में भी बहुत लोग शत्रु होते हैं आपके, तो वो आपकी शत्रुता आपसे छोड़ देंगे। आप कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उस कोर्ट केस में विजय की संभावना आपकी पूरी पूरी बन जाएगी, इसलिए सूर्य की संक्रांति उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। कोई रोग हो रहा है तो आरोग्यता प्राप्त होगी, सूर्य तो वैसे भी आरोग्यता का कारक है और ऊपर से उसका गोचर भी आरोग्यता कारक है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और है कि बुध भी 24 जून को राशि चेंज कर रहा है, वो भी मिथुन राशि में आ रहा है। तो मिथुन राशि में जब सूर्य और बुध एक साथ आ जाएंगे तो वो सूर्य बुध आदित्य योग बनाएंगे, सूर्य बुध आदित्य योग बनाएंगे। और सूर्य बुध आदित्य योग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। बुध और आदित्य योग बोलते हैं, आदित्य मीन सूर्य और बुध, ये योग बहुत अच्छा होता है। वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, आपकी नौकरी आपको मिलती है, आपका नाम होता है जहां भी आप काम करते हैं, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ती है, आपकी आइडेंटिटी इंप्रूव होती है। ये सारे काम होते हैं अगर आपका सूर्य बुधाते योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा हो, तो गोचर में ये योग आपका बन जाएगा। किन किन राशियों वालों के लिए बनेगा, वो भी इन्हीं राशियों वालों के लिए बनेगा, मेष राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए बनेगा। लेकिन
मकर राशि वालों के लिए जो ये बुध आदित्य योग बनेगा ये छठे भाव में बनेगा, मिथुन छठे भाव, मिथुन राशि छठे भाव में पड़ेगी तो छठे भाव में बनेगा, तो छठे भाव में बनने वाला कोई भी योग इतना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्या राशि वाले मात खा गए हैं, मकर राशि वाले थोड़ी सी मात खा गए हैं, अदरवाइज बहुत अच्छा है। जो सूर्य संक्रांति के फल तो मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन बुध आते योग के जो थोड़े बहुत फल मिलने थे वो मकर राशि में थोड़े से कम प्राप्त होंगे। बाकी राशियों वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि बाकी राशि वाले सूर्य की आराधना जरूर करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, तो ये टाइम उनके लिए बहुत ही फैंटास्टिक निकलेगा। कोई दो राय नहीं है कि सूर्य की संक्रांति उनके लिए बहुत अच्छी हो। बस इतना ही मुझे कहना था। हम लोग एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग भी इच्छुक हों सीखने के वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।